myself अनुपमा शुक्ला। बच्चों आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड कंपलसरी पेपर शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर नव सामाजिक व्यवस्था न्यू सोशल ऑर्डर के विषय में बताने जा रही हूँ। बेटा इसकी पहली क्लास में मैं नव सामाजिक व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा और सरकार से संबंधित जो भी प्रावधान थे और इसके विषय में, उसकी प्रकृति इत्यादि के विषय में मैं चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं आपको भारतीय समाज का बालक की शिक्षा व विकास पर प्रभाव, भारतीय समाज के बालक की शिक्षा, मतलब कि भारतीय समाज का जो बालक है, भारतीय समाज के बालक की शिक्षा व विकास पर के प्रभाव के विषय में बताऊंगी। बेटा जब जो बालक होता है वो जब जन्म लेता है तो असहाय प्राणी होता है और समाज और प्रकृति के संरक्षण में वो रहता है, उससे सीखता है और उसी के हिसाब से अपने को ढालने का प्रयास करता है। बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होती है। परिवार में ही वह जो दिनचर्या है और इत्यादि कार्यों के बारे में सीखता है। उसके बाद उसकी दूसरी जो पाठशाला होती है वो शिक्षण संस्थान होते हैं। तो अगर शुरुआत ही अगर अच्छी होती है, परिवार में बच्चों को वो सीख मिलती है, उसके बाद शिक्षण संस्थान में बच्चों को उनके आदर्शमय जीवन के बारे में, उनको कैसे बनाना है उसके बारे में बताया जाता है, तो बालक का सही निर्माण हो सकता है। तो बेटा अब हम बात करते हैं न्यू सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था। मतलब सामाजिक व्यवस्था बेटा, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, ये तीनों नाम बेटा एक ही हैं, लेकिन वर्तमान में जो प्रचलित है वो सामाजिक व्यवस्था। ये जो सामाजिक व्यवस्था है बेटा, अमेरिका से ही ये शब्द आया हुआ है, ठीक है ना बेटा। मतलब किसी राष्ट्र में जो सामाजिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उससे उत्पन्न हुई उप सामाजिक व्यवस्थाओं में जो प्रगति होती है उसे ही न्यू सोशल ऑर्डर या नव सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। ये जो नव सामाजिक व्यवस्था है वो अगर शिक्षा, उचित वातावरण इत्यादि हमें सही रूप से मिलता है तो वो सामाजिक व्यवस्था सही ढंग से अपने कार्यों को करती है। अब हम बात करते हैं भारतीय समाज के बालक की शिक्षा व विकास पर प्रभाव। तो सबसे पहले नंबर में आता है बच्चे के शारीरिक विकास पर प्रभाव। बेटा जैसा कि अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर शरीर अगर स्वस्थ है तभी हमारे स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा, जैसा कि अरस्तु जी ने कहा है। तो हमें सबसे पहले अपने शरीर का सही ढंग से विकास करना चाहिए। उसके साथ साथ बेटा हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए एनसीसी हो गया, व्यायाम हो गया, योगा क्लास हो गया, इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और सप्ताह में कम से कम एक बार इन सारी चीजों से अवगत कराया जाता है। इसके साथ साथ बेटा जो बालक होता है वो माँ के गर्भ से ही सारी चीजों को सीखता रहता है। अगर बेटा निर्धन परिवार है तो बच्चा जन्म के पहले से ही शारीरिक रूप से कम, मतलब कि शारीरिक रूप से वो हीन दुर्बल पैदा होता है। तो बेटा ये जो धनाभाव है जिसके कारण बच्चे जो होते हैं वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के बेटा जब शिकार हो जाते हैं, उन्हें संतुलित भोजन, उन्हें पौष्टिक आहार नहीं प्राप्त हो पाता है, तो वो समाज के साथ मिलकर सही ढंग से सबके साथ सहयोग नहीं कर पाते हैं। और इसी के बीच अगर जिनके पास सारे संसाधन होते हैं उनके पास श्रम अभाव होता है, मतलब श्रम का अभाव होता है, वो मेहनत नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनमें शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे भारतीय समाज को चाहिए कि हमें सभी जितने, मतलब कि सभी वर्ग के, चाहे वो निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, सभी वर्ग के बालक और बालिकाओं को संतुलित और पौष्टिक भोजन
की व्यवस्था करना चाहिए, उनको उचित दिशा में कार्य करने के लिए उन्हें मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, शारीरिक विकास के विषय में उनको और उनके अभिभावकों को भी अवगत कराना चाहिए, तभी बालक का सही ढंग से शारीरिक विकास हो पाएगा। बेटा अगले नंबर में आता है बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव। इसके साथ साथ बेटा जो भारतीय समाज है उसका अगर शिक्षा का सही प्रभाव नहीं हुआ तो उसके मानसिक विकास पर, उसकी भाषा पर हुआ, उसकी कल्पना चिंतन तर्क मतलब तार्किक योग्यता पर भी प्रभाव पड़ता है। वो सही ढंग से सोच नहीं पाता है, वो सही ढंग से कार्यों को नहीं कर पाता है। और जब बच्चा सही ढंग से चिंतन मनन और चिंतन मनन नहीं कर पाता है तो वो सही ढंग से उसका विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। तो हमें चाहिए कि शिक्षकों को चाहिए विद्यालय में कि बालकों का सही ढंग से मानसिक विकास हो, उनको किसी तरह का भी शोषण उनके साथ नहीं किया जाए ताकि बालकों का स्वस्थ रूप से मानसिक विकास संभव हो सके। बेटा तीसरे नंबर में आता है बालक के आध्यात्मिक विकास पर प्रभाव। बेटा प्राचीन काल से ही धर्म प्रधान देश रहा है, बेटा धर्म पर अधिकार धर्म पर ज्यादा ध्यान दिया, धर्म और आध्यात्मिक शक्ति पर ध्यान दिया जाता रहा है। लेकिन अगर वर्तमान युग की बात करें तो भौतिकता, आधुनिक युग में भौतिकता का बोलबाला है जिसके कारण बेटा बहुत से ऐसे अपराध होते हैं, बच्चे चोरियां करने लगते हैं और बच्चों को सही ढंग से सही मार्ग नहीं मिल पाता है तो वो दिशा भ्रमित हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों को सही करने के लिए शिक्षा और शिक्षकों को अगर आगे आकर उन सारी चीजों को दूर करेंगे तभी हमारे देश का विकास संभव हो सकेगा। इसके साथ साथ चौथे नंबर में आता है बालक के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। संवेग मतलब इमोशन, मतलब कि बालक को ऐसा वातावरण का बालकों के लिए सृजन करना चाहिए जिससे बालक के जो संवेग हैं, भय ईर्ष्या क्रोध खुशी या दुख होना इत्यादि भावों को छोड़कर वह देश के साथ कदम से कदम मिला सके और उसे सही और उचित माहौल देना चाहिए। शिक्षकों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है उसको आगे बैठा ले ताकि उसके अंदर उसके लिए मन में एक द्वेष की भावना उत्पन्न हो सके। सभी बच्चों को समान भाव से देखना चाहिए, सभी बच्चों को समान भाव से शिक्षा भी देनी चाहिए जिससे हमारे देश का विकास सही ढंग से हो सकेगा। अगले नंबर में आता है बालक के सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव। इसके साथ साथ बेटा भारत देश में बेटा विभिन्न संस्कृतियों वाले लोग रहते हैं जिनके आचार विचार संगीत नृत्य भाषा विचार और उनके सिद्धांत मान्यता इत्यादि सब अलग अलग होती हैं। तो विभिन्न हमारा जो देश है विभिन्नता में एकता वाला देश है, तो मतलब विभिन्नता होने के बाद भी हमें इस तरह की शिक्षा इस तरह के पाठ्यक्रम को स्थापित करना चाहिए जिससे बच्चों की रुचि और योग्यता का विकास हो सके और बच्चे सही मार्ग पर जा सके। अगले नंबर में आता है बालक के नैतिक व चारित्रिक विकास पर प्रभाव। इसके साथ साथ बेटा बालक के नैतिक और चारित्रिक मतलब कि बालक में ऐसे मॉरलिटी मतलब विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे बालकों में नैतिकता से वो ओतप्रोत हो और उनके चरित्र और महापुरुषों की चरित्र के बारे में बताया जाए जिससे वो उससे प्रेरणा स्रोत उनको माने और उनको अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। वो ऐसा सोचे कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूंगा और इस तरह के मतलब चाहे वो पत्रों के माध्यम से, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क देकर इस तरह के कार्य उनको दिया जाए जिससे उनके अंदर नैतिकता की भावना जागरूक हो सके, तभी हमारे देश का हमारी नव सामाजिक व्यवस्था का सही ढंग से विकास हो पाएगा। अगले नंबर में लोकतंत्र व नागरिकता की अगले नंबर में बेटा है बालक के व्यवसायिक विकास पर प्रभाव। बालक के व्यवसायिक विकास पर प्रभाव बेटा व्यवसायिक विकास पर प्रभाव इस तरह से होगा कि बालक को जो शिक्षा दी जा रही है वो व्यवसाय परक होना चाहिए, वो उसके आगे जीविकोपार्जन में सहयोग देने वाली होनी चाहिए। मतलब इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए जैसा कि 1937 में महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा जिसे वर्धा शिक्षा योजना बुनियादी शिक्षा योजना कहते हैं
उन्होंने बालकों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में हस्तनिर्मित कार्यों को भी जोड़ दिया था। मतलब शिक्षा के उपरांत वो अगर शिक्षा से संबंधित कार्य ना मिला तब भी वो अपना जीविकोपार्जन सही ढंग से कर सके, तो उनको व्यवसायिक विकास पर उनके ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो इस तरह की शिक्षा हो जो व्यवसायिक योग्यता में उनको कुशल बना सके। अगले नंबर में आता है लोकतंत्रवाद नागरिकता की शिक्षा के विकास पर प्रभाव। इसके साथ साथ बच्चों को लोकतंत्र के बारे में अवगत कराना और नागरिकता की शिक्षा देना, उनको ये बताना कि बच्चों हमारा जो देश है वो लोकतंत्रात्मक देश है, प्रभुत्व संपन्न देश है, हमारे देश में वयस्क मताधिकार प्राप्त है देश के नागरिकों में, और हमें मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य जिनमें हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, हमें भ्रातृत्व का मतलब भाईचारे के रूप में रहने के लिए कहा गया है, और इसके साथ साथ समाजवादी भावना, लोकतांत्रिक भावना, और हमें निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था भी हमें दी गई है। तो बच्चों को इस तरह की भावना का विकास करना चाहिए ताकि वह सही ढंग से अपने विकास मार्ग की तरफ जा सके। बेटा नाइन्थ नंबर में आता है बालक के व्यक्तिगत व सामाजिक विकास पर प्रभाव। इसके साथ साथ बेटा बालक के व्यक्तिगत जीवन, मतलब अगर बालक कक्षा में नहीं आ रहा है, देर से आ रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुनना चाहिए कि उसके ना आने का कारण क्या है, और संभव हो सके तो उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, उसके अभिभावकों से मिलना चाहिए। इसके साथ साथ उसके सामाजिक, उसको समाज में ऐसा तो नहीं हेय दृष्टि से देखा जा रहा हो, और समाज में उसके साथी लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण उसका सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो बालक के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें भी पूर्णतया योगदान शिक्षक ही दे सकते हैं। अगर शिक्षक सही रूप से बालक को व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से उन्हें सक्षम बनाने योग्य तैयार करेंगे तभी हमारा विकास सही ढंग से हो पाएगा। अंत में बेटा भारतीय समाज और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, मतलब भारतीय समाज में राष्ट्रीय लक्ष्यों की, मतलब हम अपने अगर घर से प्यार करेंगे, फिर घर के बाद हम अपने समुदाय से अगर प्रेम व्यवहार रखेंगे, समुदाय से फिर शहर से, फिर जिले से, फिर देश से, राज्य से, तभी हम अपने राष्ट्र से भी प्रेम और सद्भावना रख पाएंगे। तो बालकों को इस बारे में अवगत कराना कि हमें सबसे पहले अपने देश में जो राष्ट्रीय जो लक्ष्य है उनको पूरा करना है। बेटा हमारे देश में जो जनसंख्या जो बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है उसको रोकना है, रोकने के कारणों को ढूंढना है। इसके साथ साथ जो इस समय जो वर्तमान में समस्या है प्रदूषण की, उसको भी खत्म करना है। बेटा विद्यालयों में जाकर वृक्षारोपण, वृक्षों के बारे में बताना, बच्चों को बच्चों से वृक्ष लगाना, या प्रवेश के समय उनको वृक्ष वितरित करना, जिससे वो उनके अंदर ये ज्ञान हो कि हमें प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इन सारी चीजों को करना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे, तभी हमारा समाज भी स्वस्थ रह सकेगा। इसके साथ साथ बेटा हमारे इसमें न सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर हम अपने देश के सभी बच्चों को सही ढंग से उनको शिक्षा दे पाएंगे, उनके शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक इत्यादि विकासों को सही ढंग से कर पाएंगे तभी हमारे देश का उत्थान हो पाएगा। और हमारे अगर शिक्षकों का भी नव सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। अगर हमारे शिक्षक जो बच्चों के पथ प्रदर्शक होते हैं, सलाहकार होते हैं, तो अगर बच्चों को सही रास्ता दिखाएंगे, सही ढंग से उनको चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक या नैतिक उत्थान हो, सही ढंग से उनको उसके बारे में बताएंगे, तभी हमारे नागरिकों में उस चेतना का विकास होगा और हमारे नागरिक सफल देश के नागरिक होंगे। और इसके साथ साथ अगर हमारे शिक्षक भी पूर्णतया ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से इन सभी कार्यों को करेंगे तो वाकई में ये जो नव सामाजिक व्यवस्था है वो सही ढंग से
चलने लगेगी और हमारे देश के विद्यार्थियों का, हमारे देश का उत्थान सही ढंग से होगा। थैंक यू बेटा, अगली क्लास नेक्स्ट टर्म में।